जो है मेरा हाउस का जो बन गया बोले नहीं संतोष या बोले लाइए लाइए ले जाइए तीन तरह का दीजिए चलो जा नाश्ता है बोले थे ना तुम रोटी भी बनवाए थे ना रोटी बना दो कितना कितना देना है साफ करो हाथ साफ करो तीन हो गया इधर हो गया उधर 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 आजा आजा तुम लगा लो आगे बढ़ा आगे बढ़ा तुम दोबारा नहीं दोबारा नहीं हाँ सब ठीक है आइए इधर आइए दूरी बना बना के दूरी बना बना के दूरी बना हो गया इधर हो गया आगे चलिए आगे चलिए चलो बाहर से कोई आया नहीं ना उठा ठुकर किसी नहीं है ना ले लिया जाओ ले लिया निकलते जाओ जी सब लेना पड़ता है ना अभी नजदीक थोड़े लेने मिस्टर द फायर कंडीशन ना वेरी बैड हाँ हाँ आए ना आए आए सब कुछ उतने हैं उसके इंदार के लाल
माने तीन पौवा माने हो गया एक एक पौवा भी नहीं हुआ एक पौवा भी नहीं हुआ तीन पौवा केमिकल ये सर केमिकल इधर बढ़िया था खाने पीने सामान ना है ना ना मरिए ठीक है मरिए बढ़िया शीशा मरिए अंदर से बहुत पैसा बहुत सीट पर मोटरसाइकिल को मारिए टाइम दीजिए गाड़ी पर आज केमिकल था खाने पीने का सामान नहीं ना खाई देख लीजिए खाने पीने का तो है उधर ड्राइवर साहब की तरफ से मिले ये अपना हाँ गेट है गेट में मार दीजिए हम तो सबसे पहले क्या किए जब कुछ नहीं था कितना का लोगो लोगो लगाइए ना लगे आगे पास में आएंगे ना पैक कर लो गाड़ी इधर भी चैरिटेबल ट्रस्ट है अररिया आर एस से हम लोग 20 दिनों से विभिन्न रकम मास्क ग्लव्स जो है विभिन्न एरिया से सब जगह बांट रहे हैं साथ साथ सैनिटाइज कर रहे हैं और आज 3 दिन से हम लोग खाने का सामान सामग्री सब फूडिंग पैकेट ये सब पूरी सब्जी हो गया कुछ रेशन में जो है चावल है दाल है प्याज है आलू है चीनी है चूड़ा है ये सब भी हम लोग बांट रहे हैं आज तो हम लोग 250 पैकेट का खाने का सामग्री दे रहे हैं इससे काल भी हम लोग बांटे थे इससे 4 दिन पहले भी हम लोग बांटे हैं ये बताइए कि सर प्रशासन की ओर से किस तरह खेतों में बांटा जा रहा है प्रशासन की ओर से तो जो सारे चीज बट रहे हैं उसकी सारी लोगों को जानकारी है न्यूज के माध्यम से लेकिन पर्सनल स्तर पर भी व्यक्तिगत तौर पर थाना अध्यक्ष के साथ मैं सिविल जज साहब हैं और हम लोगों ने जो अभी गरीब बस्ती है जो बंजारा लोग हैं जिसका राशन कार्ड नहीं है जिसका आधार कार्ड नहीं है जिसका ई नहीं है उस लोगों को हम लोगों ने आज दिन में कोर्ट के तरफ से सिविल जज लोगों के तरफ से उसको बना हुआ राशन दिया गया फिर शाम में हम लोग ने एफर्ट करके उनको कच्चा
राशन दिए, जो बनाएंगे चावल दाल आलू चूड़ा साबुन ये सब। संजय सिंह भी हमारे साथ समाजसेवी हैं। मोहनी देवी ट्रस्ट जी जो प्रधान जी हैं ये भी लगातार इसमें लगे हुए हैं और इनके ट्रस्ट के माध्यम से सैनिटाइजेशन करने का काम, मास्क वितरण करने का काम, बना हुआ भोजन वितरण का काम लगातार इनके इनके द्वारा चल रहा है। इन्होंने अभी एक मशीन से सारे थाने के गाड़ी को भी और अन्य लोग जितने भी पत्रकार वृंद हैं इनके मोटरसाइकिल को भी सैनिटाइजेशन किया गया और सारे पत्रकार लोगों को भी मास्क इनके द्वारा वितरित किया गया है। तो इस तरह हम लोग अगर आम जनता और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर गरीबों के लिए काम होगा। और हम लोग ग्रास रूट पर जो है हम लोग ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं तो हम लोग ज़मीन पर मदद करेंगे तो अंतिम पायदान पर रहने वाले समाज के उस लोगों को मदद होगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर ऐसे ऐसे लोग आगे आएंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पर जो है ये जो माने कि उसको रसद पहुँचाने का काम या खाना पहुँचाने का काम या उनको सैनिटेशन करने का काम ये हम लोग करेंगे।